मंदसौर में 2 वर्ष पूर्व बालक की लाश नहीं मिलने पर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने किसान नेता जोगचंद सहित 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी बनाया था। इन सभी आरोपियों को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व बालक की लाश नहीं मिलने पर गांव झारड़ा में रेतम नदी ज्वाला मंदिर घाट पर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता श्यामलाल जोगचंद सहित 12 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्रकरण दर्ज किया था। इन सभी आरोपियों को नारायणगढ़ न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया है। इस मामले में 2 आरोपी अनुपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2021 को रेतम नदी में भैंस के साथ नदी से बाहर आते समय झारड़ा निवासी 15 वर्षीय बालक विकास पिता गोपाल गायरी डूब गया था। साथ में उसका चचेरा भाई रवि पिता जीवन गायरी भी था और जो तैरकर बाहर आ गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और मंदसौर से गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन बालक का पता नहीं चल पाया था। दूसरे दिन भी बालक का पता नहीं चला तो किसान नेता श्यामलाल जोगचंद सहित ग्रामीणों ने विरोध किया और नदी का पानी निकालने की बात को लेकर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की थी। बाद में दूसरे दिन नदी से बालक की लाश बरामद हुई थी। झारड़ा पुलिस चौकी ने इस मामले में जोगचंद के साथ ही सुनील दीवानिया, राजेश भारती, दिनेश गुप्ता, आनंद हुपेले, हेमंत तिवारी, राहुल कीथीरिया, नरसिंह नायक, विनय कुमठ, रामदयाल धनगर, अर्जुन गायरी, मनीष साहू, परशुराम गायरी, श्यामलाल माली के खिलाफ धारा 147, 241, 117 और 120 बी में केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में सोमवार को जोगचंद सहित 12 आरोपी नारायणगढ़ न्यायालय में पेश हुए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जैनुल सैयद मंसूरी ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की, इस कारण बालक की मौत हो गई। सभी ने आपराधिक आशय से यह कार्य नहीं किया। जनभावना और सद्भावना के तहत सभी बालक की लाश को ढूंढने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दुर्भावनावश पुलिस ने झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। सभी को जमानत दी जाए। न्यायाधीश स्वरूप कुमार सिंह ने तर्क सुनने के बाद सभी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। झारड़ा गांव का एक धनगर गायरी समाज का एक मासूम बच्चा जो कि 14 साल की उम्र थी और प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण उस बच्चे की जान चली गई पानी में डूबने से। सारे नारायणगढ़ और आसपास के किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने मिलकर के आंदोलन किया कि इस बच्चे को बचा लो, लेकिन निष्ठुर प्रशासन और इस क्षेत्र का जो मंत्री, जो कि अपने आप को मंत्री बन के घूमता है, उन्होंने कोई मदद नहीं करी और अभी तो उप मुख्यमंत्री बन गए, कोई मदद नहीं करी और इस वजह से वो जो मासूम बच्चा था उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हम लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया था, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उनको नागवार गुजरी थी। उन्होंने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। आज हम लोग पेश हुए और माननीय न्यायालय नारायणगढ़ से हम लोगों को जमानत मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री कितना भी लोगों पर अन्याय अत्याचार करे, हम पूरी ताकत के साथ गरीब मजदूर अन्नदाता किसान सारे लोग मिलकर के उस अन्याय का विरोध करेंगे और कभी भी इस क्षेत्र के इस तरीके का जो मासूम बालक जो धनगर समाज का है उसकी जो मृत्यु हुई है, ऐसी किसी भी मासूम बच्चे की मृत्यु नहीं हो, इसके लिए हमेशा हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे सरकार हम लोगों को जेल में डाल दे, चाहे सरकार हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हम गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस प्रकार का था कि एक बच्चा पानी में डूब गया था, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकप्रिय हमारे नेता हैं श्यामलाल जी जोगचंद, वो समय पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इसको समय रहते निकाल लिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। उस फलस्वरूप उसकी मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन ने जो उल्टी कार्रवाई होती है, पानी तो निकालना ही था, पहले पानी निकाल लेते तो उसकी जान बच सकती थी, बाद में पानी भी निकाला और बांध भी तोड़ना पड़ा। इस प्रकार से एक मामला बना था, उसमें आज माननीय न्यायालय में सारे नेतागण पेश हुए हैं, तो माननीय न्यायालय ने हमारे तर्क सुने और जमानत का आदेश किया है, जमानत पर छोड़ा है सभी नेताओं। जनहित का मामला है। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।